हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स गैलेक्सी। गाइस, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स फॉर PKL 2021। गाइस, ये जो लिस्ट है एक प्रोबेबल लिस्ट है, मतलब एक फाइनल लिस्ट नहीं है बिकॉज अभी ऑक्शन नहीं हुआ है। बट मैं आपके सामने ऐसे 10 खिलाड़ियों के नाम रखने वाला हूँ जो कि मुझे लगता है कि प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकने वाले हैं। गाइस, ये लिस्ट है हम ऑक्शन से पहले बना रहे हैं, बिफोर ऑक्शन बना रहे हैं, इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगा रिटेन्ड और रिलीज सारे ही खिलाड़ियों को। जब यहाँ पे रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट आ जाएगी उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जो प्रॉपर प्लेयर ऑक्शन के अंदर, पूल के अंदर, जो ऑक्शन के अंदर जाएंगे उसमें जो टॉप 10 एक्सपेंसिव प्लेयर्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली उन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सो गाइज, ये वीडियो जो है ये एक मिक्स वीडियो होने वाली है, मतलब इसके अंदर मैं रिटेन्ड एंड रिलीज दोनों प्लेयर्स को इंक्लूड करने वाला हूँ बिकॉज अभी लिस्ट आई नहीं है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 10वें नंबर के खिलाड़ी की। तो 10वें नंबर पे यहाँ पे नाम आता है संदीप नरवाल का। गाइज, संदीप नरवाल ने यहाँ पे एक ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पे युम्बा की टीम के लिए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पिछले सीजन में यहाँ पे राइट कॉर्नर खेला उन्होंने, वहाँ पे रेडी में भी वो यहाँ पे साथ दिया, साथ ही साथ एज एन सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी खेल लेते हैं, हर एक पोजीशन पे वो खेलना जानते हैं, कवर भी खेल लेते हैं। तो संदीप नरवाल एक मिस कॉम्बिनेशन है और जो कि हो सकता है कि यहाँ पे इस साल रिटेन किया है युम्बा की टीम से, और रिटेन किए जाएंगे तो भी उन पे 60 लाख से ऊपर उन पे दाम जो उनका सेट होगा, और अगर यहाँ पे रिलीज़ होते हैं ऑक्शन के अंदर आते हैं तो मुझे लगता है 60 लाख से ऊपर उनकी बोली लगने वाली है। गाइस, अब अगर हम बात करें यहाँ पे 9वें नंबर के खिलाड़ी की, तो ये है विकास खंडोला। विकास खंडोला हरियाणा स्टेट्स के यहाँ पे लीड रेडर हैं सीजन 5 से ही और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। अगर यहाँ पे विकास खंडोला अगर यहाँ पे रिटेन भी किए जाते हैं तो मुझे लगता है उनकी जो या सैलरी होगी वो 60 लाख प्लस होगी, और अगर वो यहाँ पे रिलीज़ होते हैं तो भी 60 लाख से ऊपर की यहाँ पे उन पे बोली लगाई जाने वाली है। गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें 8वें नंबर के खिलाड़ी की, तो ये है यहाँ पे कैप्टन यूपी योद्धा के नितेश कुमार। नितेश कुमार ने पिछले 2 सीजन में हाई क्लास परफॉर्मेंस दिखाई है, पूरे डिफेंस को बदल के रख दिया है यूपी योद्धा के लिए। एज अ लीड डिफेंडर तो है ही पिछले 2 सीजन के अगर हम पॉइंट्स मिला ले तो, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जिसे हम कह सकते हैं, एक डिफेंडर से हम जितनी उम्मीद करते हैं उससे ऊपर का परफॉर्मेंस करके दिखाया है नितेश कुमार ने। तो मुझे लगता है नितेश कुमार यहाँ पे इस साल रिटेन तो होंगे होंगे, साथ ही साथ कप्तानी भी संभालेंगे। उनकी जो सैलरी है मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे 80 लाख से ऊपर उनकी जो है सैलरी यहाँ पे सेट की जाने वाली है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सुमित की, तो सुमित भी यहाँ पे यूपी योद्धा के लिए डिफेंडर है, 7वें नंबर इनका नाम आता है, यूपी योद्धा के लिए डिफेंडर है और पिछले सीजन के हाईएस्ट पॉइंट टेकर हैं। अगर यहाँ पे रिलीज होते हैं तो इनकी सैलरी इन पे जो बोली है वो 80 लाख से ऊपर की लगेगी लगेगी। अगर वो रिटेन किए जाते हैं तो भी उन पे 80 लाख से ऊपर की मेरे को लगता है कि यहाँ पे उनकी सैलरी रहने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे 6ठे नंबर के खिलाड़ी की, तो 6ठे नंबर पे नाम आता है हमें मनिंदर सिंह का। मनिंदर सिंह जो कि पिछले साल जो टीम जीती थी यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स, उनके कैप्टन थे। मनिंदर सिंह की परफॉर्मेंस बहुत ही हाई क्लास थी पिछले सीजन में, उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लिए थे बंगाल वॉरियर्स के लिए और अपनी टीम को जितवाया था। यहाँ पे मनिंदर सिंह जहाँ तक है चांसेस है कि 90% की वो रिटेन ही होंगे, रिटेन होते तभी मुझे लगता है कि 1 करोड़ से ऊपर उनकी सैलरी जानी चाहिए। अगर रिलीज भी होते हैं तो भी यहाँ पे उन पर 1 करोड़ से ऊपर की बोली लगेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 5वें नंबर पर नाम आता है दबंग दिल्ली के लीड रेडर नवीन कुमार का। नवीन कुमार का नाम जो है टॉप 3 रेडर्स की लिस्ट में भी था। नवीन कुमार ने परफॉर्मेंस भी इतनी हाई क्लास दिखाई थी और नवीन कुमार एक बहुत ही लीड रेडर है अगर हम बात करें दिल्ली के प्रोस्पेक्टिव से, और अगर हम बात करें प्रो कबड्डी के प्रोस्पेक्टिव से भी, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नवीन कुमार पे भी बोली जो है 1 करोड़ से ऊपर की लगने वाली है। अगर वो रिलीज होते हैं, रिटेन होते हैं तो भी उनकी सैलरी 1 करोड़ से ऊपर रहने वाली है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 4थे नंबर पे, यहाँ पे नाम आता है फजल अतराचली का। फजल अतराचली लीड डिफेंडर है यहाँ पे युम्बा के कैप्टन भी हैं, और फजल अतराचली कप्तानी में युम्बा अच्छा परफॉर्म भी करके दिखाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फजल अतराचली यहाँ पे जहाँ तक चांसेस रिटेन होंगे तब भी उनकी सैलरी 1 करोड़ से ऊपर रहनी चाहिए, रिलीज होते हैं तो भी उनको 1 करोड़ से ऊपर की बोली लगने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे 3रे नंबर पर नाम आता है सिद्धार्थ सिरदेसाई की न्यूज़ है कि यहाँ पे रिलीज होने वाले हैं तेलुगु टाइटन्स की टीम से। अगर वो रिलीज होते हैं तो उनकी सैलरी यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर रहने वाली है, मतलब उन पर जो बोली है वो 1 करोड़ से ऊपर लगने वाली है, 100% श्योर है मुझे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे नंबर पे नाम आता है प्रदीप नरवाल का। प्रदीप नरवाल टीम से रिलीज होने वाले हैं, पटना पायरेट्स की टीम से, और अब वो ऑक्शन में आने वाले हैं। ऑक्शन में आते ही सबसे बड़ी बोली यहाँ पे प्रदीप नरवाल के ऊपर लगने वाली है जैसा कि मुझे लग रहा है, और यहाँ पे प्रदीप नरवाल के ऊपर 1 करोड़ से ऊपर बोली जाने वाली है, चीज़ 100% श्योर है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर 1 खिलाड़ी के, नंबर 1 नाम आते हैं यहाँ पे पवन कुमार शेरावत का। पवन कुमार शेरावत हम सबको पता है कि पिछले दो तीन सालों से यहाँ पे लीड करते हुए आ रहे हैं। पिछले साल जब जीती भी थी बंगाल वॉरियर्स तो भी सबसे
जो अहम भूमिका थी वो थी पवन कुमार शेरावत की। इस बार भी अगर वो सेमीफाइनल्स में गए थे तो सेमीफाइनल्स में भी सबसे अहम भूमिका पवन कुमार शेरावत की ही थी। वो यूपी उदय के खिलाफ की बात ले ले हम या फिर किसी भी मैच के बात ले ले, पवन कुमार शेरावत टॉप पे ही रहते हैं, ऑन द टॉप रहते हैं। और यहाँ पे अब ये चीज़ श्योर हो चुकी है पवन कुमार शेरावत को रिटेन करा जाएगा यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम से। और बंगाल वॉरियर्स की टीम से अगर रिटेन करा जाने वाला है तो 1 करोड़ से ऊपर उनकी सैलरी उन्हें दी जाने वाली है। सो गाइज, ये थे ऐसे 10 प्लेयर्स जो हमने ऑक्शन की रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट उनसे पहले वीडियो बना दी है। इसमें हमें लगता है कि कौन से ऐसे 10 खिलाड़ी इन पर 1 करोड़ सुपर बोली लगने वाली है। अब जब रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट आ जाएगी तो हम जो रिलीज हुए हैं प्लेयर्स उनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। मतलब जो 500 से ज़्यादा एटलीस्ट जो यहाँ पे जाने वाले हैं ऑक्शन के अंदर, उनमें से वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स पे लाखों की करोड़ों की बोली लगने वाली है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। हम चैनल पे रेगुलर एक्टिव हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं तो आपसे अगली वीडियो में लाइक एंड शेयर कर दे, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, हमारे यूट्यूब चैनल को नोटिफिकेशन को दबाना ना भूले ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।